हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द साइज ऑफ इन्वेंट्री एट द सम डिजायर लेवल, keeping in view the best economic interest of an organization. In the pharmaceutical field, how to we will manage and how we will control the our inventory, इसका मतलब है कि हम pharmaceutical level पे इस तरीके से हमारे inventory को control करें ताकि हमारे जितने भी एक्स्ट्रा मेडिसिंस हैं या फिर कम मेडिसिंस हैं उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जिससे हमारे जितने भी मेडिसिंस हैं जो रनिंग हैं और जो रनिंग नहीं हैं वो मूवमेंट हो सके। यह होलसेलर रिटेलर दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट, रॉ मटेरियल। टू रीप द प्राइस एडवांटेज अवेलेबल ऑन द सीजनल रॉ मटेरियल्स। सेकेंड, वर्क इन प्रोसेस टू बैलेंस द प्रोडक्शन फ्लो, रेडीमेड कंपोनेंट्स। थर्ड, व्हेन द कंपोनेंट्स आर बॉट रेदर देन मेड। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। हम अगर किसी फार्मास्यूटिकल फील्ड में अगर इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फर्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। मतलब हमारा जो डिमांड है मार्केट में मेडिसिन का, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से हमें अपना इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। बेटर यूज़ ऑफ मैन मशीन्स एंड मटेरियल्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट। और जो हमारा आउटपुट है, जो भी मेडिसिंस हैं, जितने भी सेवरल डोजेस फॉर्म हैं, उसके आउटपुट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। कंट्रोल ऑफ स्टॉक वॉल्यूम। जितना भी हमारा स्टॉक हम रखते हैं, चाहे वो रिटेलर के पास हो या फिर होलसेलर के पास हो, उसको कंट्रोल करके रखना है, उसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। कंट्रोल ऑफ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन। और जितना भी हमारे पास स्टॉक है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपरली करना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट मेजर एक्टिविटी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग द इन्वेंट्रीज। जितने हमारे डोजेस फॉर्म हैं हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसियस एंड जेलिस, सबका हम एक प्लानिंग लिस्ट बनाएंगे। और सेकंड वन, प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, उसकी खरीदारी करेंगे लिस्ट बनाने के बाद। उस जितने भी डोजेस फॉर्म हैं उसको रिसीव करेंगे फ्रॉम द स्टॉकिस्ट और द होलसेलर। इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेंट्रीज, जितने भी इन्वेंट्रीज हैं उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे और उसको स्टोर करेंगे एक पर्टिकुलर सूटेबल एरिया और एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर, जितने अलग अलग डोजेस फॉर्म हैं उसके हिसाब से उसको स्टोर करके रखेंगे। और उसमें कुछ इश्यू वगैरह है कि नहीं है उसको भी हम देखेंगे। और फिफ्थ वन, रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट। और जो हमें रिसिप्ट मिला है, कहाँ से, स्टॉकिस्ट से मिला है या फिर होलसेलर से मिला है, उसको पर्टिकुलर इन्वेंट्री कंट्रोल के डायरी में मेंटेन करके रखेंगे। और उसके साथ अगर कोई इशू तो नहीं है वो भी हम देखेंगे। एंड सिक्स्थ वन, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, इसके साथ साथ फॉलो अप लेंगे और मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन भी उसके साथ साथ हम करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है वो सप्लाई ऑफ रेट एंड डिमांड ऑफ रेट के बीच एक सेतु का काम करता है। मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, होलसेलर हो या फिर रिटेलर हो, इन्वेंट्री कंट्रोल करना मस्ट है, क्योंकि वो सीधे सीधे सप्लाई रेट और डिमांड रेट को इफ़ेक्ट करता है। देन वी विल सी द स्टेप इन्वेंट्री कंट्रोल।
फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ इन्वेंट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर पॉइंट्स, जितने भी हमारे डोजेस फॉर्म हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उसका हम रीऑर्डर पॉइंट्स देखेंगे, कौन कौन सा हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, कौन कौन सा जरूरी नहीं है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में वह हमें ज़रूरत है, परपेंचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, लगातार हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, एबीसी एनालिसिस करना है, एंड लास्ट में मेथड ऑफ कंट्रोल थ्रू द टर्नओवर, लास्ट में हम ओवरऑल कितना टर्नओवर हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का कितना बचा है, ये हम देख के उसको देन वी लुक फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम स्टॉक लेवल. द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अबोव विच शुड नॉट बी अलाउड टू बी केप्ट, दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड कीपिंग इन द विद द डिसएडवांटेज ऑफ द ओवर स्टॉकिंग. इसका मतलब यह है कि वह अमाउंट होता है कोई भी प्रोडक्ट का जिसको हम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा इवेंट करके नहीं रख सकते, और इसके फैक्टर जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, गोडाउन स्पेस अवेलेबल, पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस, एंड सेकंड वन मिनिमम स्टॉक लेवल. दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी बिलो विच स्टॉक शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल्स. मतलब इसमें उससे जो भी रिक्वायरमेंट है उससे हम कम कोई भी मेडिसिन नहीं रख सकते जो कि हमें डेली बेसिस पे सेल करने हैं या फिर रिटेलर के पास पहुंचाने हैं. उसको फ्लोइंग फैक्टर इफेक्ट करता है, लीड टाइम, एंड सेकंड रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द लीड टाइम, एंड देन डिस्कस रीऑर्डर लेवल. इट इज़ द पॉइंट एट विच इफ द स्टॉक ऑफ द मटेरियल इन द स्टोर अप्रोचेस, द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट द परचेस requisition for fresh supply of the material, and the level is the fixed somewhere between the maximum or minimum level. तो जो reorder होता है वह जो होता है maximum और minimum जो order होता है उसके बीच का level. And then we will discuss economic order quantity. It is also known as the standard order quantity, optimum quantity, or the economic lot size. By the definition, economic order quantity, that size of order for which the total cost is minimum. इसका मतलब यह है कि economic order quantity वह होता है जिसमें हम total amount जो है वो हमारे budget में आ जाए और उससे अधिक ना हो जिससे हमारा inventory control हो सके. और हम जो economic order quantity है उसको हम इस formula के through हम डिराइव कर सकते हैं, जिसमें अंडर रूट टू आर सी पी अपॉन सी एच है, जिसमें आर डोनेट करता है एनुअल क्वांटिटी टू बी यूज इन यूनिट्स, सी पी यूज़ करता है कास्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ए ऑर्डर, एंड सी एच कास्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर वन ईयर. Then we are discussing about ABC analysis. It is the efficient control of stores require greater in the cost of costlier items. अब यहाँ पे हम ABC analysis पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा जो मेडिसिन है उसको जो सबसे ज़्यादा कॉस्टियर है, जो सबसे ज़्यादा महंगा है, उसको हम ए कैटेगरी में डालेंगे, और उसका जो ऑर्डर देंगे हम स्टॉकिस्ट को या मैन्युफैक्चरर को वह जो है क्वांटिटी कम रहेगा, ताकि हमारा जो रेगुलर स्टॉक है और इन्वेंट्री जो है वह कंट्रोल हो सके. बी में जो है वह लेस कॉस्टियर रहेगा, उससे कम महंगा रहेगा ऐसे, और इसका ऑर्डर हम रिव्यू के हिसाब से देंगे कि वह कितने महीने में कितना बिका है और कितना हमारे पास स्टोर है. सी कैटेगरी में उस प्रोडक्ट को या फिर उस ड्रग को रखेंगे
जिसमें वह सस्ता रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा और उसका लार्ज क्वांटिटी में उसको खरीदेंगे, जिससे हमारा इन्वेंट्री जो है वो कंट्रोल हो सके। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स विच हेल्पफुल टू मेक सिस्टम सक्सेसफुल, स्टोर लेजर, स्टोर कंट्रोल, कार्ड और बीन कार्ड आर प्रॉपरली मेंटेन, क्वांटिटी बैलेंस स्टोर शू इन द स्टोर लेजर, स्टॉक कंट्रोल एंड बीन कार्ड आर रिकॉन्सिल्ड। एक्सप्लोरिंग द केस ऑफ डिस्क्रेपेंसीज इफ एनी फिजिकल बैलेंस एंड बुक बैलेंस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मंथली वाइज जो हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है। इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं मंथ वाइज उसका लिस्ट बनाएंगे, उसमें कितना वेरिएशन आया, कौन से मंथ में कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। नाउ लास्टली वी आर डिस्कस इन्वेंट्री टर्न ओवर मेथड, कि हमारा जो इन्वेंट्री प्रोडक्ट है वो कितना टर्न ओवर हुआ है इन ए मंथ और इन ए ईयर। इट मीन्स हाउ मेनी आइटम्स कंपनीज इन्वेंट्री इज सोल्ड और रिप्लेस्ड और फिनिश प्रोडक्ट, इसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।